दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल टेक विद कृष में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने आईफोन पर हम कोई भी ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है नॉलेज से भरपूर, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। दोस्तों अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है और आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे कोई भी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे प्ले स्टोर या फिर गूगल से कोई भी ऐप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपको सिंपली अपनी जीमेल आईडी के साथ लॉगिन करना है अपने प्ले स्टोर पर और वहाँ से आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गूगल पे उस ऐप को सर्च करके गूगल से भी डायरेक्टली अपने फ़ोन पे कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पर अगर आपके पास एक आईफोन है तो आईफोन पर आपको सिर्फ ऐप स्टोर ही मिलता है जिसकी मदद से आप अपने आईफोन पर कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों गूगल की तरह यानी एंड्रॉयड की तरह हमें एप्पल पर बाहर से कोई भी ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी बिना जेल ब्रेक किए हम अपने आईफोन पर कोई भी ऐप बाहर से डाउनलोड नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से अपने ऐप स्टोर से अपने एप्पल फ़ोन में कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों अपने आईफोन पर हम कोई भी ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसे समझाने के लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपनी आईफोन की स्क्रीन पर। तो यहाँ दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी आईफोन की स्क्रीन पे। अब दोस्तों सिंपली आपको सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सर्च के नीचे साइन इन टू योर आईफोन लिखा है, इस पर आपको क्लिक करके अपनी एप्पल आईडी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों एप्पल आईडी क्रिएट करने के लिए आपको नीचे डोंट हैव एन एप्पल आईडी और फॉरगेट इट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट एप्पल आईडी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपनी एप्पल आईडी क्रिएट की हुई है तो मैं इस ऑप्शन को स्किप करूंगा। आप यहाँ पे सिंपली अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के अपनी एप्पल आईडी, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर के साथ क्रिएट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों मैं अपनी एप्पल आईडी के साथ लॉगिन कर लूंगा। अब दोस्तों एप्पल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे साइन इन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे पासकोड डाल देना है। अब दोस्तों एप्पल आईडी, पासकोड और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे वो नाम शो होगा जिस नाम पे आपने एप्पल आईडी क्रिएट की हुई है। अब दोस्तों इसके बाद आपको वापस से मेन मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना ऐप स्टोर ओपन कर लेना है। अब दोस्तों ऐप स्टोर ओपन होने के बाद आपको ऊपर टॉप राइट पे अपनी प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी एप्पल आईडी के साथ लॉगिन कर लेना है और इसके बाद सर्च पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐप सर्च करनी है जिस ऐप को या जिस गेम को आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स आपको शो होंगी, तो हम यहाँ पे डेमो के लिए टेम्पल रन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ दोस्तों आप देख पाएंगे कि जो एप्पल आईडी हमने क्रिएट की थी उस एप्पल आईडी को अपने ऐप स्टोर पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो हमारी ऐप है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी ये ऐप हमारे मेन मेन्यू पे यहाँ पे शो होगी। तो अभी आप देख पाएंगे कि ये ऐप हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐप डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है और यही ऐप हमारे मेन मेन्यू पे भी शो होगी। तो दोस्तों ये सिंपल और आसान तरीका अपना के आप अपने आईफोन पर कोई भी ऐप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि कभी भी अपने एंड्रॉयड या अपने आईफोन पर कोई भी ऐप बाहर से डाउनलोड ना करें, इससे आपके आईफोन या आपके एंड्रॉयड को हैक किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि अपने आईफोन पर हम कोई भी ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको आई हो पसंद, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब लोग आपसे इजाजत मिलूंगा कल फिर एक नई वीडियो एक नए अपडेट के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।